सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया। बता दें अखिलेश ने कहा कि समाज में भेदभाव खत्म होना चाहिए, अंधविश्वास समाज की बुराई खत्म हो तभी समाज और देश तरक्की करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गंगा सफाई के नाम पर हजारों करोड़ खर्च हुआ। और आप भी सुनिए कि इस तरह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए और सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब मुकाबला नहीं कर पा रही है तो पुलिस को आगे कर रही है, जब उनके पास जवाब खत्म हो जाता है तो पुलिस को आगे कर रहे हैं। सवाल ये है, सवाल भाषा का नहीं है। आज तक जितने भी हमने तहरीर दी हैं, अगर किसी तहरीर पे कार्रवाई हो तो बताएं, एफआईआर दर्ज हुई हो तो बताएं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस को भारतीय जनता पार्टी चला रही है। उनकी भाषा क्या है? इसीलिए मैंने हिंदी दिवस के दिन कहा कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके लोगों को अपनी भाषा ठीक तरीके से लिखना चाहिए, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल गांधी उसके अभी इनवाइट आया है तो मैं अभी पार्टी से डिस्कस करूंगा, उसके बाद उस पर फैसला लूंगा। ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं। और जब लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं तो ये बताएं कि इतने इन्वेस्टमेंट के आने से कितना रोजगार सृजन होगा, आखिरकार रोजगार सृजन कितना होने जा रहा है। और पहले जो घोषणा पत्र में लिखा था करोड़ों रोजगार नौकरी, उसका क्या हुआ? इसलिए आप भी कंफ्यूज मत होइए, आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, बहुत अच्छी चमक दमक दिखाइए, जमीन पे कुछ नहीं करेगा। गंगा एक्शन प्लान जो पहला बना था और समय समय पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और समय समय पे अखबारों पे पढ़ने का मौका मिलता है, उसमें यही दिखाई देता है कि अभी तक के जो प्रयास हुए उससे माँ गंगा साफ नहीं हुई है। जब तक उसकी सहायक नदियां, जुड़ने वाले नाले, उनकी गंदगी नहीं खत्म होगी तब तक मां गंगा साफ नहीं होगी। हजारों करोड़ रुपया साफ हो गया है लेकिन अभी तक नदियां साफ नहीं हुई हैं। जब बसे थे तब नाले और कोई सीवेज का ट्रीटमेंट का इंतजाम नहीं था, जिसके कारण सीधा सीधा जो कुछ है शहर का गंदा पानी, गंदगी सब नदियों में जा रही है। तो ये प्रयास समाजवादी सरकार में हुआ था, वही रास्ता है नदियों को साफ करने का। यहां की सुंदरता खत्म कर करके दूसरी सुंदरता दिखाई जा रही है। आखिरकार सरकार को ये बताना चाहिए कि यहां की आखिरकार सुंदरता क्यों खत्म कर दी। इसी तरह नाव यहां पर चलनी थी, कुछ पहले नाव खरीद ली गई थी और भी जिसको टूरिस्टों को सुविधा देने के लिए या लोगों को घूमने के लिए यह नाव खरीदी गई थी, वो सब कूड़ा करकट हो चुकी है।